घटना शुरू कर चुके हैं मध्य प्रदेश की महाडिबेट। मैं हूं अपर्णा मौजम और आज बात सागर हत्याकांड की। अब मामले में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के नेता एक एक कर सागर पहुंच रहे हैं। सागर के बहाने कांग्रेस प्रदेश सरकार के साथ साथ कई निशाने लगा रही है। तो सागर के बहाने कई निशाने एक साथ कांग्रेस साधने की कोशिश कर रही है। सागर में दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। झगड़ा हुआ तो धारदार हथियार से दलित परिवार पर हमला कर दिया गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। उधर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिवार वापस गांव लौट रहा था, लेकिन रास्ते में मृतक की भतीजी ने शव वाहन से छलांग लगा दी। गंभीर रूप से घायल लड़की को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। ये बात सिर्फ इसी समय की नहीं है, ये पूरा विवाद एक साल से चलता आ रहा है। दबंगों से परेशान दलित परिवार के तीन लोगों की हत्या कुछ ऐसी ही तरह हुई। अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। दलितों पर अत्याचार, प्रशासन क्यों लाचार? पुराना राजीनामा को लेकर चल रहा था। क्या कर रहा? चाचा का, तो वो गवाही नहीं था, अगले महीने उसकी गवाही नहीं थी। हत्याकांड पर बवाल, विपक्ष ने उठाए सवाल। बहन के साथ छेड़खानी, फिर भाई की हत्या, फिर चाचा की हत्या, फिर इस बीच में माँ को भी एक तरह से निर्वस्त करना, और फिर बेटी का भी ईश्वर की घटनाक्रम, जो वो भी उनकी भी मृत्यु हुई, ये कहाँ सुना और पढ़ा आपने आज तक ऐसा जैसा यहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे संवेदनशील विषयों पर राजनीति कर रही है जो कि घोर निंदनीय है। सागर के बहाने कई निशाने। सागर हत्याकांड पर प्रदेश में सियासी उबाल आ गया है। कांग्रेस नेता पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिया जा रहा है। उधर विपक्ष ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है, तो बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। कुल मिलाकर सागर पर तनातनी जारी है। मध्य प्रदेश की महाडिबेट आज इसी पर। दबंगई की इस दास्तान से पूरे प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो प्रशासन पर हमलावर दिखाई दिए, प्रदेश की व्यवस्था पर तीखे हमले किए, वहीं बीजेपी का दावा है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोनों ही तरफ के अपने अपने दावे हैं। फिलहाल वक्त हो गया है महाडिबेट के सवालों पर गौर कर लेने का। सवाल कौन कौन से रहेंगे? पहला सवाल रहेगा, दलितों पर अत्याचार, प्रशासन क्यों है मौन? अपराधियों में कानून का डर क्यों नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में दलित होना गुनाह है? इन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट। खास गेस्ट पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बीजेपी प्रवक्ता हैं डॉक्टर गुलरेश शेख, शैलेंद्र पटेल हैं पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, वरिष्ठ पत्रकार हैं सतीश एलिया और सामाजिक कार्यकर्ता हैं पुखराज दशोरा जी। पुखराज जी, पहले मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि जब पॉलिटिकल हो जाएगी डिबेट तो फिर तो वाद विवाद में ही उलझ जाएगी। लेकिन जो सागर का ये पूरा मामला सामने आया और लगातार ये कहना विपक्ष का, कांग्रेस का, कि दलितों पर अत्याचार थम नहीं रहे, आप बतौर सामाजिक कार्यकर्ता किस तरह से देख रहे हैं? राजनीतिक कार्यकर्ता या राजनीतिक नेता आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लगाते रहेंगे, उनकी ड्यूटी है। मगर इस केस में मानवता अगर तार तार हुई तो क्या प्रथम अपराध जो उसमें एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई अपराधियों के खिलाफ, अपराधियों को गिरफ्तार किया गया नहीं किया गया, और अपराधियों के खिलाफ? मैं आपको एक सेकंड के रोक रही हूँ यहाँ पर। आपके आसपास पंखा कूलर या ऐसी कोई चीज बहुत तेज चल रही है? पंखा बंद करो, सॉरी आपको गर्मी लगेगी, मैं मानती हूँ, लेकिन क्योंकि नॉइज बहुत क्रिएट हो रहा था आपकी बात समझ नहीं पाएंगे। अपर्णा जी मेरा यह कहना है कि जो अपराध घटित हुआ उसमें एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई ये देखना जरूरी है, और कानून अपना काम कर रहा कि नहीं कर रहा अपना देखना जरूरी। राजनीतिक लोग छिटाकसी करेंगे, वाद प्रतिवाद करेंगे, वो उनका कर्तव्य करते रहे, मगर इस केस में उस दलित परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ प्रथम जो अपराध हुआ था उसमें एफआईआर हुई कि नहीं हुई, और एफआईआर होने के बाद क्या अपराधियों को पकड़ा गया, ये इन विषयों पर ध्यान देना जरूरी है। कहीं कोई घटना होती है, कांग्रेस उसको इश्यू बना लेती है, सत्ताधारी पार्टी को रोका जाता है, उसके ऊपर छिटाकसी की जाती है, और उस सीट से
कानून अपना काम करेगा, कानून को कहीं बाध्यता नहीं, न्याय विभाग स्वतंत्र है, न्यायालय अपना काम करेगा। नहीं, एफआईआर तो हुई है ना मामले में, गवाही मुख्य गवाह थे चाचा जिन्हें इतना पीटा गया कि उनकी मौत हो गई, चाचा की मौत से आहत होकर भतीजी ने शव वाहन से कूदकर अपनी जान दे दी, यही तो मामला है ना। ये पूरा मामला बिल्कुल शर्म योग्य है, मगर कानून क्या कर सकता है, कानून अपना काम करेगा। अगर गवाह को छेड़ा गया, गवाह के साथ मारपीट की गई, तो उसमें भी एफआईआर लॉन्च होगी और किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। कानून जहां तक काम करता, मैं खुद एक विधिकार विद्यार्थी हूं, एडवोकेट हूं, इस पूरे प्रकरण में आप आने वाले समय में देखेंगे कि बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। जी ठीक है, शैलेंद्र पटेल जी, अब मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि इस मामले को लेकर सवाल जवाब यहाँ पर बहुत किए गए। जीतू पटवारी खुद अहिरवार परिवार के, जहाँ ये घटना हुई है, जो परिवार प्रभावित है, उस परिवार के बीच पहुँचते हैं, सरकार पर तो हमला बोलते ही बोलते हैं, लेकिन ये बात भी उन्होंने कही है कि राहुल गांधी के चलते वो यहाँ पर आए हैं और राहुल गांधी भी आ सकते हैं, क्या ऐसा है? देखिए, सबसे पहली बात तो अर्पणा जी, बड़ा निंदनीय घटना है और ये एक दिन की घटना नहीं है, 2019 से ये घटना की शुरुआत हुई जब अंजना अहिरवार के साथ छेड़छाड़ की गई और उस छेड़छाड़ का विरोध उनके भाई मुकेश गोलू ने किया, तो उसको वहाँ के दबंग जो कि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के स्थानीय मंत्री रहे हैं, विधायक हैं, उनके रिश्तेदार हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी, उन लोगों ने उसकी हत्या की, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई कुछ लोगों के खिलाफ, लेकिन 2019 से लेकर 2024 आ गया, इन 5 सालों में वो कहानी वैसी की वैसी रही, जो जिस तरीके का न्याय उन्हें मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिल पाया। और दूसरी ओर जो एक अहिरवार वहाँ पर जो थे, राजेंद्र अहिरवार जी जो कि मुख्य उस गवाह थे, चश्मदीद गवाह थे उस घटना में, उनकी भी हत्या कर दी गई और उनकी माँ को निर्वस्त्र उस समय कर दिया गया। तत्कालीन समय भी दिग्विजय सिंह जी उस समय पहुंचे थे और उन्होंने वहाँ पे धरना दिया था और धरना देने के समय कलेक्टर और एसपी ने वहाँ पे लिखित में आश्वासन दिया था कि पीड़ित को हम नौकरी देंगे, आवास देंगे, लाइसेंस देंगे, सारी की सारी बात लिखित में कही गई थी। और मंत्री जी, शैलेंद्र पटेल जी आ रही हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच अपडेट यह है कि सागर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कल सुबह 8:30 बजे मुख्यमंत्री दौरा करेंगे, मृतक के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जी पटेल जी, बात पूरी कीजिए। कैमरा लगाया गया था, लेकिन जब ये घटना अभी हुई है तो वहां पे कैमरा वहां पे है ही नहीं, कटा हुआ था, पुलिस की गार्ड चुनाव के पहले वहां से हटा ली गई और कहीं ना कहीं फिर दबाव बनाया जा रहा था गवाह के ऊपर कि आप अपनी गवाही से मुकर जाइए, आप चश्मदीद गवाह है, आप कहीं ना कहीं समझौता कर लीजिए। उस समझौते का दबाव प्रशासन और शासन की तरफ से लगातार बनाया जा रहा था और इसी बात से लेकर पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं परेशान था। उनके भाई आज कैमरा पर उन्होंने कई बार ये सारी बातें कही, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, वो पीड़ित परिवार कह रहा है। वो लड़की जिसके साथ उस समय, अंजना जी आप खुद महिला हैं, उस महिला के साथ उस समय जो जाती हुई, उसके साथ छेड़छाड़ हुई, उसका भाई मारा गया, बाद में चश्मदीद गवाह उनके चाचा की हत्या कर दी गई, किस तरह का मानसिक प्रताड़ना उस लड़की ने सही होगी। और जब राजेंद्र अहिरवार को जब बहुत मारा गया, पीटा गया, तो सागर अस्पताल ले जाया गया और सागर अस्पताल के बाद उन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया। भोपाल रेफर करते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद जब उनको वापस लौट रहे थे उस समय यह घटनाग्रस्त कूटने का, आत्महत्या का, हत्या का हुआ। अभी वो भी शक के दायरे में कि हुआ क्या है, कौन से रास्ते से एम्बुलेंस को वापस लौटना था, कौन से रास्ते। राहुल गांधी के एक पोस्ट का भी जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि वो टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में दलित परिवार के साथ भाजपा नेताओं ने जो किया है वो सोचकर ही मन पीड़ा और क्रोध से भर गया है। ये लंबा एक पूरा पोस्ट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने। डॉक्टर गुलरेश, मैं अब आपके पास आ रही हूँ। अपर्णा जी मेरे को कंप्लीट कर लेने दीजिए बात को, मैं उसके बाद कम समय लूंगा। मैं आज कहना चाहता हूं कि सारा घटनाक्रम कहीं निंदनीय है और राहुल गांधी जी ने, क्योंकि जीतू पटवारी जी होशियारपुर में चुनाव प्रचार में थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते उन्हें सागर भेजा और खुद पीड़ित परिवार से बात की, गंभीरता का विषय है। बात यह नहीं है कि राहुल गांधी जी ने भेजा, विषय है अगर किसी दलित परिवार के साथ 3-3 हत्या एक परिवार में होती है, इस तरह की ट्रेजेडी होती है, तो सवाल उठते हैं। ये कोई राजनीति की बात नहीं है या कोई कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, बात समाज की है, प्रदेश की है। और इस तरीके से अन्याय अत्याचार होगा तो विपक्ष का ये फर्ज है, धर्म है, उसे आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ताकत से उठाना चाहिए। घटनाएं होंगी समाज में तो विपक्ष को भी आगे आकर मांग करनी होगी इंसाफ की पीड़ित परिवार के साथ, कम से कम विपक्ष कुछ करता हुआ नजर तो आएगा। लेकिन डॉक्टर शेख, जीतू पटवारी पहुंच गए, दिग्विजय सिंह पहुंच गए, क्या दबाव बना सरकार पर या प्रशासन पर?
देखिए अपर्णा, सबसे पहली बात तो जो कुछ उस बिटिया के साथ हुआ, हम भी उसके लेकर गमजदा हैं और हमारी संवेदना है उस बच्ची के साथ है, उसके परिवार के साथ है, मेरी खुद की भी और मेरे दल की भी। जहां तक बात है, जितने भी अपराधी हैं इस पूरे केस में, जिससे जहां पर ये बात पुरानी जो जाती है, इसके भाई के मर्डर की, लालू अहिरवार का जो मर्डर का केस था, उसमें सारे के सारे अपराधी जेल में हैं। शायद एक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है एज के आधार पर, जिसका नाम उसमें था, वो थे नहीं थे वो सब न्यायपालिका का विषय है उसमें, लेकिन एक को शायद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, बाकी सारे के सारे जेल में बंद हैं। और एक बात थोड़ी सी मैं रेक्टिफाई करूंगा, क्योंकि मैं जब भी बैठता हूं किसी भी चर्चा पर तो पूरा स्टडी करके ही बैठता हूं, मेरी एडिशनल एसपी सागर ग्रामीण से भी बात हुई, राजेंद्र अहिरवार जो मृतक हैं ये इस बिटिया के चाचा नहीं है, चाचा का नाम है मोहन अहिरवार जो कि इस दुनिया में है। राजेंद्र अहिरवार, विष्णु अहिरवार जो कि इनके दूसरे नंबर के भाई है, वो जो जिला बदर है 10 केसेस है 800 पर भी, वो उनके मित्र थे और जिनकी जिनकी डेथ हुई है, मैं उनके विषय में बात कर रहा हूं, और राजेंद्र अहिरवार के ऊपर भी 13 केसेस हैं, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि ये 2000 जिनकी, आपकी बात समझ गई मैं, ठीक है, जो आप अपनी रिसर्च का हवाला दे रहे हैं, जिनकी मृत्यु हुई, जिन्हें जिनके परिवार का कहना है कि पीट पीट कर मार दिया गया, उनका नाम क्या बता रहे हैं? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जिसको, जो डेड बॉडी राजेंद्र अहिरवार की बिटिया लेकर आ रही थी एम्बुलेंस में, वो चाचा नहीं है, वो इनके बिटिया के भाई विष्णु अहिरवार के मित्र है जो जिला बदर है अभी, विष्णु अहिरवार, और विष्णु अहिरवार के ऊपर 8 से लेकर 10 प्रकरण दर्ज है। ठीक है, मुझे ये क्रॉस चेक करना होगा क्योंकि हमारे पास डेटा, हमारे पास बिल्कुल अलग, जो बात आप कह रहे हैं, जो भाई इसके एक साल पहले मृत्यु हुई थी नितिन नाम था जी, यहाँ पर पुखराज जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है डॉक्टर सिंह, एक मिनट दीजिएगा मुझे, लौट रही हूँ आपके पास जी। पुखराज जी क्या बोल रहे हैं? अपर्णा जी, मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि इस पर राजनीति करना है तो 4 दिन की सुर्खियां बटोरने के लिए जीतू पटवारी भी जाएंगे ना, दिग्विजय सिंह भी जाएंगे और राहुल गांधी भी उस पर चर्चा करेंगे। अगर कांग्रेस इसमें वास्तव में न्याय चाहती है तो इस दुखी परिवार के लिए वकील खड़ा करे। ठीक है, मुझे लगा था कि आप शायद कुछ डेटा करेक्ट करें। ठीक है, डॉक्टर सिंह को बात कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है पुखराज जी, पुखराज जी एक मिनट समय, सबको शामिल करते हैं। डॉक्टर शेख से बात पूरी कर लेते हैं जी। डॉक्टर शेख मुझे डेटा रख लेने दीजिए आपके सामने, दर्शकों के सामने भी। बिटिया अंजना के चाचा का नाम है मोहन अहिरवार जो कि जीवित हैं, इनके 3 बेटे हैं, एक है आकाश, दूसरा है विकास और तीसरा है बादल, तीनों बालिके हैं। इस बिटिया की जहां तक बात है, इसके दो बड़े भाई थे, एक रोहित जो बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड है जिसका, दूसरा विष्णु जो जिला बदर है, और तीसरा लालू जो जिसकी डेथ हुई थी। और जो राजेंद्र अहिरवार की बात है, वो चाचा नहीं है, वो विष्णु के दोस्त हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ है बड़ा दर्दनाक है, कानून अपना काम कर रहा है और न्याय दिलाया जा रहा है। और ये बात भी बिल्कुल गलत है कि उनके घर पर सीसीटीवी नहीं है, सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, सब कुछ है। अच्छा ठीक है चलन जी, आऊंगी एक मिनट, सतीश अले जी के पास जा रही हूँ। सतीश जी, जो करेक्शन यहाँ पर डॉक्टर गुलरेश शेख ने किया और जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया और अब सीएम के जाने की बात, लेकिन पूरा घटनाक्रम अपराधियों की नजर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रदेश कांग्रेस हमलावर है, किस तरह से आप पूरा देख रहे हैं इसे? अब इसको 3 कारण इसके देखने पड़ेंगे। एक तो राजनीति है विपक्ष की, जो विपक्ष का धर्म है वो राजनीति कह सकते हैं, उसको राजनीति है भी वो, लेकिन विपक्ष का काम ये होता है, विपक्ष वो अपना काम कर रहा है। दूसरा है आपका कानून व्यवस्था की स्थिति, जैसा कि कहा कि वो शैलेंद्र जी ने जैसे बताया कि 2019 से एक प्रताड़ना का मामला था, सेक्सुअल हैरेसमेंट का उसका मामला था और 5 साल तक ये मामला चलता रहा, उसमें गवाह को लेकर ये विवाद पूरा था। तो कोई एक मामला 5 साल तक चलता रहा, उस पर सही ढंग से कार्रवाई अगर होती तो ये हत्या के तौर पर या वो बिटिया ने जैसे जिस तरह से अपनी जान दी वो ऐसी स्थिति नहीं बनती। तो कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था को चलाने वाला जो तंत्र है उसकी भी नाकामी है, दूसरी बात। तीसरी बात है हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, उस सामाजिक ताने बाने में दबंग और जातियों का जो विवाद है, खासकर बुंदेलखंड में जो दलित वर्ग को जो दबाते हैं, जो अन्य वर्गों के लोग हैं,
सवर्ण वर्ग के लोग हैं, बहुत सारी जगह दलितों की बहुत बुरी स्थिति है बुंदेलखंड में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, स्थितियां लगभग वैसी ही रहती हैं। जो दल सत्ता में रहता है उसके कार्यकर्ता निचले स्तर के, ऊपर के स्तर पर तो हम कह सकते हैं कि वो जो बात कहते हैं वही करते भी हैं, लेकिन निचले स्तर पर सत्ता का दुरुपयोग होता है और जो तंत्र है हमारा पुलिस का हो या कानून का हो तंत्र, वो निश्चित रूप से इसका बेजा फायदा उठाता है सत्ता का। तो कुल मिलाकर यह है कि हमारा जो सामाजिक समरसता का अभियान है आरएसएस का, बीजेपी का है, वो अगर पूरी तरह से कहीं सफल नहीं है, इसका मतलब यह है कि किसी दलित वर्ग के लोगों पर दबंगों का या सवर्णों का जो कोई दबाव होता है वो पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, सामाजिक समरसता को हमको और आगे बढ़ाना चाहिए। रही बात गुलरेज शेख जी ने जो तथ्य दिए हैं, उन वो तथ्य हो सकते हैं उनके सही हों और जो शैलन जी ने कहा वो तथ्य सही नहीं हो, लेकिन बात ये कोई हमको अदालत में नहीं खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं कि आखिर ये चिंता की बात है कि किसी व्यक्ति की इस तरह से हत्या हो जाती है और किसी बेटी को ऐसी जान देनी पड़ती है और उसकी जड़ में है तथा कथित रूप से जिसको हम दलित कहते हैं, बिल्कुल पहले हरिजन कहते थे लेकिन हमारी मानसिकता वैसी की वैसी है, बिल्कुल आपने यही यही हमें जाना पड़ेगा, अन्यथा कोई विकास का कोई मतलब नहीं है। यही केंद्र बिंदु पर जा रहे हैं और मनुष्य को मनुष्य नहीं मानते हैं, बिल्कुल। और ये स्थिति है कि कोई दलित की बेटी है, दलित की पत्नी है, तो वो मतलब वो सवर्ण वर्ग के लिए उसके उसकी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है, ऐसा माहौल आज भी है बुंदेलखंड के अंदर, बाकी जगह कम ज्यादा होगा लेकिन बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा है। और उसकी तरफ हमारे पूरे सामाजिक संगठनों को, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, सबको एक कोई मुद्दा मिल गया है, इसको मुद्दे को उठाना है या गेम लाभ लेना है, इसकी तरह नहीं देखना चाहिए, हमें सामाजिक बदलाव की बाकी कोशिश नहीं। और विपक्ष तो मामला उठाएगा लेकिन न्याय इंसाफ मिलना चाहिए, समाज सम्मान का हकदार हर कोई है, इंसाफ का हकदार हर कोई है, बलि परिवार में किसी एक ही। अपर्णा जी हम सब दोषी है, हम सब भी कहीं ना कहीं दोषी है इस तरह की स्थितियों के लिए। बिल्कुल सही आपने कहा कि हम सब कटघरे में, क्योंकि हम सामाजिक समरसता का सिर्फ पाठ पढ़ाते हैं, प्रवचन देते हैं, लेकिन उसे असल जिंदगी में निभा नहीं पाते, उतार नहीं पाते। डॉक्टर शेख आप ही की बात, पहले पटेल जी कुछ कहना चाह रहे थे, पटेल जी बताइए। देखिए अपर्णा जी, बात राजनीति की नहीं है, बात यह है जिस तरीके सतीश जी ने सारी बातें स्पष्ट करी कि जो समाज में हम सभी वर्ग के आते हैं, वर्ग से महत्व नहीं होता, प्रदेश सभी का है, स्वर्ण का, पिछड़ों का, अब दलितों का, लेकिन लगातार अपराध हो रहे हैं एक ही व्यक्ति के साथ में। गुलरेज भाई ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बायोलॉजिकल चाचा है कि नहीं है, बायोलॉजिकल चाचा की बात नहीं है, वो उनके क्योंकि उनके चाचा के दोस्त हुए तो चाचा ही हुए ना, अब मैं ये तो नहीं कह रहा था, खैर वो विषय नहीं है, कोर्ट नहीं है, लेकिन चिंता का विषय ये है अगर मध्य प्रदेश में एक ही गांव में एक ही जगह तीन तीन मौतें होती हैं सेक्सुअल हरासमेंट के बाद, तो ये कहीं ना कहीं कानून की चिंता का विषय है, आज ये कहीं पे भी घटना हो सकती है। बात दलित और स्वर्णों के बीच में अगर इस तरह की खाई रहेगी, अगर आज भी हम नहीं पाट पाए आज़ादी के 75 साल होने वाले उसके बाद में, तो कहीं ना कहीं हम सब पे कटघरे में, हम सब पे सवाल उठते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पे इसलिए बात उठ रही है क्योंकि सरकार में है और लगातार 21 सालों में 20 साल तक उनके पास शासन और सत्ता थी, और उसकी लंबा समय होने के बाद में अगर प्रशासन में पकड़ नहीं होगी तो सवाल उठते हैं। मुख्यमंत्री जी क्योंकि गृह मंत्री भी हैं, आज उनके ऊपर इसलिए बात उठती है कि आप गृह मंत्री होते हुए लगातार प्रदेश में क्राइम बढ़ रहे हैं, उनके खुद के जिले में अभी संगीन 13 से ज्यादा अपराध वहां पे हुए हैं, कहने के कानून का जो खौफ है वो मध्य प्रदेश में खत्म होता जा रहा है, और जस्टिस अगर डिले होगा, कहने के अगर न्याय समय पे नहीं मिलेगा तो और अन्याय होगा और अपराधियों के जो हौसले हैं और बड़ी बात यहां पर ये भी है ना कि अगर उस लड़की ने जान दे दी, इस बात से आहत होकर कहीं ना कहीं उसके मन में निराशा घर कर गई होगी ना कि देखिए अब एक और डेड बॉडी मेरे घर से उठ रही है, इसका मतलब तो इंसाफ तो मिलने से रहा, ना उम्मीद होकर तो उसने जान दी होगी। हालांकि अभी जिस तरह से जांच का विषय बताया जा रहा है कि जान दी या नहीं दी, कैसे दी, कैसे वो गाड़ी कहां से जा रही थी, वो जांच की बात है, लेकिन लड़की अब दुनिया में नहीं रही, उस परिवार से एक और अर्थी उठी, ये बड़ी बात। डॉक्टर शेख देखिए अपर्णा ये बात बिल्कुल सही है कि जान किसी की भी जाए, इसलिए इसके लिए हम भी गमजदा हैं, लेकिन मैंने जो बातें मैंने डाटा क्यों रखा, फैक्ट इसलिए रखा क्योंकि कांग्रेस राजनीतिक रूप से एक नरेशन क्रिएशन की कोशिश कर रही है, और आप उसकी क्रोनोलॉजी देखिए कि किस प्रकार से दिग्विजय सिंह जाते हैं, फिर उसके बाद प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा करती है, फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता पूरा वीडियो डालती है, वो उसमें जो फैक्ट है उसको बताया नहीं जाता है, एक नरेशन क्रिएट किया जाता है, तो मैं इसलिए फैक्ट सामने रख रहा हूँ। लेकिन हाँ ये बात सच है कि देखिए इज्जत
और जान तो बहुत बड़ी चीज होती है। मैं तो तीसरी चीज कहता हूं, अगर किसी बच्चे के हाथ से खिलौना भी छीना जाता है प्रदेश में तो कानून का इकबाल जो है ना उसको चुनौती मिलती है। किसी बच्चे के हाथ से कोई खिलौना छीन ले तो भी, वो यही हुआ था 2019 में। अब मैं आपसे, पूर्व विधायक जी बैठे हमारे समक्ष, मैं पूछना चाहता हूं कि 2019 का जब पूरी ये प्रक्रिया शुरू होती है परेशानियों की, तब किसकी सरकार थी? कमलनाथ की सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी हुआ हमारे ही कालखंड में हुआ, चाहे वो मोहन जी की सरकार में हो या शिवराज जी की सरकार में हो। मैं दूसरी बात सागर की करता हूँ, धन प्रसाद अहिरवार, ये भी हमारा भाई शेड्यूल कास्ट से था। कमलनाथ के कालखंड में मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है उसको ऊपर और आग लगा दी जाती है सागर में ही। कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता, कोई जॉब नहीं दिया जाता। भाई आज तो मत गिरनाओ, आज की बात करो गुलरेश भाई, गुना में क्या हो रहा है, वहां पे किस तरीके से घुमाया जा रहा है, फिर आप राजनीति कर रहे हैं। आप ये करिए कि सरकार क्या करेगी, उसके साथ न्याय कैसे देगी। आप कह रहे हैं कांग्रेस में ये हुआ वो हुआ, आज आप हैं यहाँ गुलरेश भाई, आज तो कम से कम राजनीति मत करें। अगर विपक्ष जाता है तो आप कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, क्या दिग्विजय सिंह जी जाए नहीं, क्या जीतू पटवारी जाए नहीं, क्या पॉलिटिकल वीडियो बनाओगे तो फिर मैं उसको वापस करूंगा। बात हो गई है, अगर कोई राजनीति व्यक्ति जो बांटने के लिए जाता है तो आप कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, रहे हो एक झूठा एक पॉलिटिकल वातावरण बनाने की कोशिश करो। मैं देखिए मैं बोलता हूं कि जांच की भी मांग करना हर नागरिक का और आपका भी अधिकार है। जांच की, सामने वाले को, दोषी को सजा दिलाने की, ये इसकी जांच करना चाहिए, लेकिन एक नरेशन क्रिएट मत करिए, एक पॉलिटिक्स मत कीजिए किसी डेड बॉडी के ऊपर। पटेल जी एक मिनट, पुखराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी पुखराज जी, मेरा अपना जी ये कहना है कि न्याय किया ये महत्वपूर्ण है, न्याय होते हुए दिखना चाहिए इस केस में, इस केस में न्याय हुआ ये दिखना होना चाहिए। ये कह रहे कमलनाथ की सरकार थी, ये कह रहे मोहन यादव की सरकार थी। मेरा कहना है कि कानून अपना काम करे, उसमें जात पात धर्म को न लेते हुए जो अपराध हुआ उस अपराध पर सजा मिलना चाहिए अपराधियों को। जी पटेल जी, देखिए अपर्णा जी, मैं बड़ी, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे साथी, मेरे भाई गुलरेश भाई जिस तरीके से बात कर रहे हैं, देखिए राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। आज विपक्ष का काम है जाना, अगर दुख बांटने नहीं जाएं क्या, क्या कहीं का अपराध घटित होता है जहां पे लगातार तीन तीन मौतें होती हैं, क्या विपक्ष को नहीं जाना चाहिए? अपर्णा जी देखिए, अपर्णा जी आप मना, आप बताइए नहीं जाएंगे? अगर राहुल गांधी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी बात कर रहे हैं तो क्या वो राजनीति कर रहे हैं, क्या किसी को नहीं बांटेंगे? और किस तरीके से अगर किसी तरीके से राजनीति करना हो गया, भाई आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप ये करते आज चार पांच साल हो गया पीड़ित को कुछ समय हुआ है जब जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर, घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, क्राइम की एक से बढ़कर एक सामने आ रही हैं, विपक्ष आवाज उठा रहा है, राजनीति कर रहा है, कोई भी कर रहा है, लेकिन हकीकत तो हम जमीन पर देख ही रहे हैं कि न्याय में देरी किस तरह से होती है, देरी की जाती है, कराई जाती है, और दबंगई का असर परिवारों पर कैसे पड़ता है। सतीश जी देखिए, अब हम लोग सागर की घटना की चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। एक विदिशा के निकट एक गांव में एक पंडित जी की बेटी के साथ भी ये हुआ था, और जो दबंग थे उस गांव के, उन्होंने उनको इतना प्रताड़ित किया था कि उनके परिवार के लोगों ने भी ऐसे आत्महत्या जैसा कदम उठाया था, और तब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तब भी ये कहा गया था कि जिन लोगों ने उनको परेशान किया, दबाव बनाया और उनकी ये स्थिति कर दी कि उनको आत्महत्या करना पड़ा, तब भी ये कहा गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तब भी हमने इस तरह की डिबेट की थी, इस तरह की बातचीत की थी। लेकिन बुनियादी बात है कि समाज में जो सामाजिक तानाबाना है, एक वो, और दूसरा छोटे छोटे स्तर पर जो सत्ता के कारण जो एक तानाशाही आ गई है, जो छोटे छोटे गाँव में जो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो पनपने लगते हैं, बिल्कुल पनपने लगते हैं, और वो गरीबों को परेशान करते हैं, और ऐसे दलित और सवर्ण की बात भी नहीं है, सवर्णों के साथ भी ऐसा ही होता है, कोई एक जाति की बात नहीं है, बस वर्चस्व की बात है। जो भारी होता है वो दूसरे कमजोर को दबाने की कोशिश करता है, फिर वो किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का हो सकता है। इतना ही समय मेरे पास था, लेकिन बात यह है कि संरक्षण समाज को मिलना चाहिए, दबंगों को नहीं, लेकिन वो मिल रहा है। अफसोस की बात यह है, अब इंसाफ की बात कही जा रही है, इंसाफ परिवार को कब तक मिलता है ये देखना होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए अपने आप को देखने की भी आवश्यकता है। मध्य प्रदेश की मां डिबेट में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खबरों के लगातार जुड़े रहिए।